हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प। कैसे हैं आप लोग? सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू की ऑफिशियल ऐप के बारे में, जो हाल ही फिलहाल इग्नू ने लॉन्च किया है। मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करेंगे आप, इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स है जिससे आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आप लोग को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आप लोग को, और कैसे यूज़ करना है वो भी दिखाऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। इस एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक इंस्टॉल करने के लिए ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट मोबाइल में ही दिखाता हूँ कि कैसे इस ऐप को यूज़ करना है। इग्नू की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग को सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना होगा, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोग को सर्च करना होगा इग्नू ई कंटेंट। इग्नू ई कंटेंट इग्नू का ऑफिशियल ऐप है, यही इसका नाम है, ठीक है। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग को मिल जाएगा ये ऐप इग्नू ई कंटेंट। इसका रेटिंग है 3.8। आप लोग को इसको इंस्टॉल करना है। मैंने क्योंकि पहले इंस्टॉल कर दिया इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इसको आप ओपन करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोग को मिलेगा। पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इग्नू ई कंटेंट है क्या। मैंने जैसे दो दिन पहले आप लोग को इंफॉर्मेशन दी थी कि इग्नू अब हर एक चीज को डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो भी पहले आप लोग को बुक्स मिलते थे ऑफलाइन अवेलेबल होते थे वो सभी अब ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो इग्नू ई कंटेंट जो ऐप बनाया गया है, इसमें सिर्फ आप लोग के सभी जो बुक्स हैं, चाहे मास्टर्स के हो, चाहे बैचलर्स के हो, चाहे डिप्लोमा के हो, चाहे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हो, सभी प्रोग्राम के बुक्स ऑनलाइन दिए हुए होंगे। और इस ऐप में और कुछ नहीं दिया गया है। जितने सारे आपके बुक्स हैं उसी को पीडीएफ फॉर्म में यहां पर दे दिया गया है। कैसे आप लोग को यूज करना है, में जो भी आप लोग का प्रोग्राम है चाहे मास्टर्स हो बैचलर्स हो, आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना होगा। सपोज अगर किसी का बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री के ऊपर क्लिक करेगा। तो यहां पे देखिए बैचलर डिग्री का जितना भी प्रोग्राम है, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी जितना भी प्रोग्राम है सभी यहां पे लिस्ट दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो जो भी आप लोग का प्रोग्राम है, सपोज अगर किसी का बीकॉम है तो बीकॉम यहां पे देखिए बीकॉम इंग्लिश में भी दिया हुआ है, बीकॉम हिंदी में भी दिया हुआ है। बीकॉम इंग्लिश के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद से क्या है, बीकॉम में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए जितने भी सब्जेक्ट है सभी का यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। कोई भी आप एक सब्जेक्ट को अगर चूज कर लीजिए आप, जैसे इको 10 एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो चारों बुक्स जो आप लोग को मिलते थे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सपोज आप लोग को ब्लॉक 4 पढ़ना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट लगेगा, उसके बाद से वही जो बुक्स आप लोग को ऑफलाइन मिलते थे वही पीडीएफ फॉर्म में पूरा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा भी नेट स्लो था इसी वजह से थोड़ा सा लेट लग रहा है, और पीडीएफ फॉर्म भी है तो बहुत बड़ा सा है पेज, देखिए 95 पेज है इसीलिए थोड़ा सा लेट लग रहा था। तो ये देखिए ये बुक आप लोग का ओपन हो गया, उसके बाद से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं इसको कहीं पे भी। इससे फायदा यही है कि आप लोग कहीं पे भी हो, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं सफर कर रहे हो, कहीं पे भी हो, तो आप लोग को ये बुक्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। बस आप लोग को ये ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है आप लोग को, जैसे देखिए ब्लॉक वन बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये 27 पेज का है, 27 पेज का ये ओपन हो गया। यही बुक आप लोग का होता है ना, जो भी ऑफलाइन बुक्स आप लोग लेते हैं वो भी यही बुक होता है, उसी का स्कैन करके उसको पीडीएफ करके बना के यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया जितने भी प्रोग्राम है सभी के। तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि आप लोग को जूमिंग करके सब कुछ पढ़ना होगा या स्क्रॉल डाउन करके करना होगा, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मली बुक्स लेके पढ़ते हैं उस तरीके से तो फील नहीं आएगा मुझे, मेरा जहाँ तक मानना है। लेकिन फिर भी आप लोग के अच्छा ये है कि कहीं पे भी आप बुक्स को तो कैरी नहीं कर सकते लेकिन मोबाइल तो कैरी कर सकते हैं, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सभी का, ये जैसे बैचलर्स का है उसी तरीके से अकाउंटेंसी का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारा ब्लॉग दिया हुआ है। इसी तरीके से बीएससी का आप लोग देखोगे तो बीएससी का सारा, सीएचई का भी हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिया हुआ है। मैं हिंदी में भी एक बार दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखिए बीएसडीएफ 1 हिंदी में दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ उसका पूरा पीडीएफ में खुल जाएगा, जैसे मैंने आप लोग को उसको वो दिखाया। डिपेंड करेगा, थोड़ा सा लेट लगेगा तभी, जब अगर उसका ज़्यादा पेजेस होंगे तब थोड़ा सा लेट लगेगा, अगर कम पेजेस होंगे तो जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से उसी तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये बैचलर्स का मैंने दिखा दिया, उसके बाद से मास्टर्स का भी है, मास्टर्स में भी जितने सारे प्रोग्राम है यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है। एमपीएस का लेके एमएसओ है, एमएपीसी है, ठीक है, एमएआरडी है, एमईजी है, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से डिप्लोमा का भी दिया हुआ है, उसी तरीके से सर्टिफिकेट का भी दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो ये इग्नू ई कंटेंट जो ऐप बनाया गया है वो जस्ट इसी वजह से बनाया गया है ताकि आप लोग जो भी बुक्स जो ऑफलाइन आप लोग को मिलते थे उसको आप लोग ऑनलाइन इसमें पढ़ सके, और हमेशा
इजिली अवेलेबल रहेगा, बस आप लोग को ये ऐप इंस्टॉल करना था। और बाकी इसमें और कोई फीचर्स नहीं दिया गया है, बस अभी यही है। देखते हैं आगे में और कोई फीचर्स आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट करते रहूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करता रहूँ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग को सबकी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को जो इग्नू की ऐप ऑफिशियल ऐप है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि इस ऐप को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इससे, और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो यही फीचर्स है इसमें, सभी बुक्स को एक फॉर्म में अवेलेबल किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और इसके रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।